सही जी, ये मैच तो चल रहा है, इस पर कन्वर्सेशन भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे लिए खतरा बवाल बना हुआ है 20 अक्टूबर का मैच जो कि होने जा रहा है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। और वो जो तस्वीर आजकल वायरल बहुत हो रही है जिसमें आपको पता है कि पहले साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के कैप्टन खड़े हैं, पीछे उनके नेदरलैंड और अफगानिस्तान के खड़े हैं, और हमारे कैप्टन के पीछे जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन खड़े थे। तो आप चाह रही हैं कि पिक्चर पूरी कंप्लीट? नहीं नहीं, मैं चाह रही हूँ पिक्चर जो है वो भस्म हो जाए। वो तो पिक्चर जो है ना वो गलत साबित हो। इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, बट देखे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और दूसरा देखे आज जिस तरह से न्यूजीलैंड ने स्टार लिया है वो एक्सीलेंट है। एक कैच तो उन्होंने फजल अकबरू की बॉल पे छोड़ दिया विल जंग का, बट इन द एंड उसके बाद केयरफुल हो गए। Exactly. और थोड़ी सी ऑफ कलर बॉलिंग नजर आ रही है इनकी, अनडिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा आगे पिच कर रहे हैं, उसकी वजह थोड़ा नुकसान हो रहा है। बाकी क्राउड की तरफ अगर बात करें तो क्राउड आज स्कूल्स के बच्चे भी मैंने अभी देखे हैं ग्राउंड में अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने लाना शुरू कर दिया। लास्ट मैच में भी बच्चे ने सपोर्ट किया था, रो पड़ा था बच्चा। पर ये होनी चाहिए सपोर्ट। देखें एक्चुअली क्राउड ना ये हमें बूस्ट करता है ग्राउंड के अंदर। एक मतलब के अब देखें इंग्लैंड में जब आप खेलते हैं ना तो वहाँ पे बुजुर्ग जो है ना रिटायर्ड पर्सन उनको ना फ्री पासेस दिए हुए हैं उन्होंने, किसी भी ग्राउंड में जाके आप मैच देख सकते हैं। वो जाते हैं, वो एंटरटेन करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम इंडिया को ही सिर्फ सपोर्ट करें या इंग्लैंड को ही सपोर्ट करेंगे, वो कहते हैं कि जो अच्छा खेल रहा है उसको सपोर्ट करनी चाहिए और दोनों टीमों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। जैसे अब दोनों दो कोचेज ने तो ऑलरेडी कंप्लेन लगा दी है कि ये हमारे हक में एक दफ़ा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, एक दफ़ा भी इंग्लैंड का नाम नहीं लिया गया, लग रहा था हम किसी और कंट्री में खेल रहे हैं। बट ये होना नहीं चाहिए, वर्ल्ड कप है, इसमें आपकी 10 टीमें गई हैं, हर एक को सपोर्ट मिलनी चाहिए। और ये खाली इंडिया के लिए नहीं होनी चाहिए, हर टीम को, इवन अफगानिस्तान को भी जैसे मिल रही है, वो भी तो सेकंड होम है ना इंडिया का, तो उस हिसाब से देखें तो सपोर्ट तो उनको है। और बाकी क्राउड जो है ना वो कलरफुल होता है और प्लेयर को बूस्ट करता है परफॉर्मेंस देने के लिए, इतना क्राउड खड़ा है मैं कुछ करूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्रॉसिंग होने वाली जल्दी से नेशनल टीवी से। अब बताइए कि मोइन खान साहब ने कहा कि पिछले मैच में बाबर आजम जो है वो हमें डरे हुए कप्तान लगे, सो डू यू थिंक कि वो डरे हुए लगे हमें लास्ट मैच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने परफॉर्मेंस बुरी दी है, डरे हुए नहीं है। बाबर आजम अच्छा खेला था, शॉर्ट सिलेक्शन गलत थी, जैसे लास्ट गेम में यस्टरडे साउथ अफ्रीका की शॉर्ट सिलेक्शन गलत थी, उनका कप्तान भी डरा हुआ नजर आ रहा था ना, तो फिर उसको डरा हुआ थोड़ी कहेंगे। अब आपने बैड परफॉर्मेंस दे दी है, अब आपके वो फूक मारी है, काला जादू हो गया, ये सारी चीजें गलत हैं। सर ये बात इसको निकाल के बाहर, जादू होता है बट ये नहीं है कि एक बंदा अपने आप को बूस्ट कर रहा है उसमें कुछ कर रहा है, कम ऑन और उसने विकेट ले लिया, अगर उस पर छक्का पड़ जाता तो वो क्या कहता? बिल्कुल जी,